हे दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रोग्राम्स एंड कुछ फंक्शंस हमारा नया जीरोक्स मशीन योसेरा टास अल्फा 2320 का। ये एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस जीरोक्स मशीन है। अगर इसका आप फुल रिव्यू देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के मेन पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं पेपर ट्रे। पेपर ट्रे इधर देखिए, दो पेपर ट्रे दिया हुआ है इस मशीन पे। इधर देखिए कैसल वन, जो कि हमारा डिफॉल्ट पेपर ट्रे है। इधर देखिए ये है कैसल वन, और इधर एक पेपर ट्रे है, इधर है एमपी ट्रे, मतलब मल्टीपर्पस ट्रे। इधर देखिए मल्टीपर्पस ट्रे है एक, ये दो पेपर ट्रे इधर दिया हुआ है। इधर देखिए, इधर है हमारा कैसल वन, इधर हमारा A4 साइज पेज रखा हुआ है। इधर सब जगह पे सेंसर लगा हुआ है। अगर इधर आपने इसको जितना तक घटाएंगे, इधर मैं अगर A4 पेपर तक लैंडस्केप पे रखता हूँ और इसको अगर एंटर कर देता हूँ तो ऊपर A4 लैंडस्केप ले लिया है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, क्योंकि ये सब जगह पे इधर हमारा सेंसर दिया हुआ है, ऑटोमेटिक ले लेगा। अब इधर देखिए, इधर है हमारा एमपी ट्रे, इसको भी अच्छे से दिखा देता हूँ। इधर हमारा एमपी ट्रे है। इधर भी देखिए, एमपी ट्रे पे भी इसको अगर आप जितना भी करेंगे उधर आपका सेंसर ऑटोमेटिक ले लेगा। सब जगह पे सेंसर लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा है और प्रीमियम क्वालिटी है। अच्छा, अब एक इसका सिंपल फंड आप लोगों को बोल देता हूँ। इधर देखिए हमारा स्कैनर पे, इधर भी हम पेपर ऐसे करके दे सकते हैं लंबा करके, और इधर भी हम इसको लंबा करके A4 पेपर को दे सकते हैं। तो जब हम A4 पेपर या फिर कुछ ऐसा जेरोक्स करेंगे तो हम कौन से साइड पे पेपर दे, तो इसका मेन सिंपल फंड है। जैसा आपका पेज होगा, मतलब आप इसको अगर लंबा दे रहे हो, ऐसे लंबा दे रहे हो, तो ये इधर से जो पेपर ट्रे है वो इधर से खींचेगा, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे करके दे रहे हो तो आपको एमपी ट्रे से देना होगा, मतलब पेज आपको सिलेक्शन करना होगा एमपी ट्रे से, क्योंकि आप ऐसे लंबा दे रहे हो, पेज इधर से जाएगा, इधर से आपका पेज जाएगा, ऐसे इधर से पेज जाएगा, वैसे ही इसको जेरोक्स करके इधर बाहर निकलेगा। तो जैसे आपका पेपर जैसे होगा इधर ट्रे पे भी वैसे ही होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपका मतलब गलत जेरोक्स निकल जाएगा। इधर देखिए, मैं पेज A4 दिया हूँ, देखिए इधर मैं अगर पेज को निकाल दिया तो इधर कौन सा पेज है वो पता नहीं कर पा रहे। इधर मैं अगर इस A4 पेपर को अच्छे से दे दिया, देखिए ऑटोमेटिक सेंस कर लेगा इधर A4 पेपर है, मतलब हर तरफ सेंसर है। ये बहुत ही अच्छा एक चीज़ है इतना कम प्राइस में। देखिए आप लोगों को एक नॉर्मल जेरोक्स करके दिखा देता हूँ। इधर मैं एक पेज ले लिया हूँ, इधर आपको A4 पे ऐसे रख देना है, क्योंकि ऐसे लंबा करके क्यों रखना है, क्योंकि हमारा जो कैसल पे पेज है वो भी लंबा ही है, तो इसलिए हम लंबा करके रखेंगे। देखिए इधर मैं पेज दे दिया, अब देखिए मैं एनर्जी सेविंग मोड को ऑफ कर रहा हूँ। अब देखिए इधर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। इधर आपका जो डेंसिटी है, हमारा नया जेरोक्स मशीन है तो नया जेरोक्स मशीन में कलर बहुत ही ज़्यादा निकलता है, इसलिए हमको डेंसिटी मतलब इसका जो कलर जो प्रिंटिंग होगा उसको थोड़ा कम करना होगा। तो डेंसिटी पे मैं देखिए क्लिक करूँगा, इधर देखिए नॉर्मल 0 पे है, अभी इसको -3 पे रखना होगा, क्योंकि बहुत ही जो ज़्यादा इंक निकलता है अभी नया जेरोक्स मशीन के लिए। तो मैं इसको -3 पे कर रहा हूँ, लाइटर -3, अब ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी देखिए हमारा जो A4 पेपर है ये इधर हमारा ऑटोमेटिक सेंसर देखिए ले लेगा A4 इधर पोर्ट्रेट टू, इधर जो हमारा कैसल पे पेपर है वो भी पोर्ट्रेट पे है, तो ये मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। अब आपको चूज़ करना है कितना आप जेरोक्स करेंगे। मैं एक ही जेरोक्स करूँगा इसलिए एक ठीक है, अगर मैं दो करता हूँ तो देखिए इधर दो हो गया है, मतलब दो जेरोक्स होगा। मेरे को एक ही करना है 001, मतलब अभी देखिए एक हो गया है। अभी मैं इस पर स्टार्ट बटन पर अगर क्लिक करूँगा तो जेरोक्स स्टार्ट हो जाएगा, देखिए स्टार्ट, देखिए इधर हमारा जेरोक्स हो गया है। देखिए कितना अच्छी तरीके से हमारा जेरोक्स हुआ है, बहुत ही एकदम हाई क्वालिटी जेरोक्स हुआ है। अभी अब देखिए, ये तो हम A4 से A4 पेपर हम प्रिंट कर लिए हैं, जेरोक्स कर लिए हैं, अभी हमको देखना है लीगल पेपर टू A4 पेपर। अगर आपका A4 से ज़्यादा बड़ा पेपर आ गया तो आप क्या करेंगे, उसको भी आपको A4 पे प्रिंट करना है, तो एक इधर सेटिंग करना होगा। तो सेटिंग में आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए मैं अंदर एक लीगल पेपर दे दिया, अभी लीगल पेपर टू हमको A4 पेपर करना है। कैसे हम करेंगे लीगल पेपर, तो देखिए इधर तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि इधर लीगल पेपर नहीं जेरोक्स मशीन पे आएगा, तो इसको हमको लैंडस्केप पे देना है। इधर देखिए लैंडस्केप पे मैंने दे दिया। अभी इसको हम क्या बोले थे पहले, तो इसका एक रूल है,
कि जैसा आपका पेज जिस ओरिएंटेशन पे होगा उसी ओरिएंटेशन पे आपको आपका पेपर डालना है ट्रे पे। तो ऐसे ओरिएंटेशन पे तो मैं इधर कैसल वन पे पेज नहीं डालूंगा। तो इसका मेन सॉल्यूशन क्या है, इधर हमारा देखिए एमपी ट्रे है, इधर हमारा जो एमपी ट्रे है मतलब मल्टी फंक्शन ट्रे है, मल्टीपर्पज़ ट्रे है, इस ट्रे को हम ओपन करेंगे। देखिए इस ट्रे पर हम ओपन कर दिए, अभी इधर हम ए फोर पेपर डालेंगे। और कैसे डालेंगे, उधर हमारा जैसे पेपर है वैसे ही हम पेपर को डालेंगे, मतलब ऐसे हमारा पेपर है ऐसे ही हम उसको डालेंगे, ऐसा पेपर है देखिए ऐसे ही हमने डाल दिया। देखिए ऐसे ही लंबा पेपर है इधर, और उधर भी हमारा ऐसे लंबा पेपर है, ठीक है। अभी देखिए हमको सेटिंग करना है, कुछ सेटिंग आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले आपको पेपर सिलेक्शन करना है, मतलब कौन से कैसल से आपका पेपर जाएगा। तो इधर देखिए पेपर सिलेक्शन पे आप लोग जाएंगे, पेपर सिलेक्शन पे गए इधर देखिए आपको एमपी ट्रे पे जाना होगा, क्योंकि हमको हमने एमपी ट्रे पे पेपर दिया हुआ है। तो इधर देखिए एमपी ट्रे सेटिंग आया है, एमपी ट्रे सेटिंग पे जाएंगे, स्टैंडर्ड साइज ही है वो, एक स्टैंडर्ड साइज है A4। देखिए A4 हमने कैसा दिया है, A4 हमने लैंडस्केप पे दिया है, लेकिन ये इधर A4 पोर्ट्रेट दिखा रहे, तो इसको हम A4 लैंडस्केप पे जाएंगे। A4 लैंडस्केप ऊपर रहता है, ये देखिए A4 लैंडस्केप है, इधर हम जाएंगे इसको ओके करेंगे। और ये प्लेन पेपर है तो इसलिए हमको प्लेन पेपर करना है, कंप्लीट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमको जूम ठीक करना है, मतलब ये तो A4 पेपर हो गया, तो इधर आपका A4 साइज पे जितना जेरोक्स होगा वो इस पेपर पे आएगा, लेकिन हमको चाहिए पूरा लीगल पेपर के जो है वो हम A4 पे लाएंगे। तो जूम को आपको करना है थोड़ा कम, देखिए हम जूम पे जाएंगे, इधर हम इसको जूम एंट्री पे चूज़ करेंगे, जूम एंट्री देखिए इधर है, इस पे हम 85 करेंगे, मतलब 85% 85 करेंगे और ओके बटन पे प्रेस कर देंगे। देखिए इधर हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अभी इसको हम अगर जेरोक्स देंगे तो ये हमारा लीगल पेपर टू A4 पेपर पर आ जाएगा। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, इधर डेंसिटी पे मैं पहले कम कर दिया था, लाइटर -3 पे है, ठीक है। इधर देखिए मैं अगर जेरोक्स पे इधर दिया तो उधर वो स्कैन कर लिया, और उधर एमपी ट्रे से देखिए उधर पेपर खींचेगा, तो देखिए उधर एमपी ट्रे से पेपर खींचा है और इधर देखिए निकलेगा, ये देखिए जो हमारा फुल लीगल पेपर का था वो पूरा लीगल पेपर का चीज़ इधर A4 पे आ गया है। देख पा रहे हैं आप कितने अच्छी तरीके से आ गया है 85% पे। तो ऐसे ही आपको करना है। अब ये सेटिंग तो हो गया, अब देखिए हर बार तो आपका लीगल पेपर टू A4 पेपर जेरोक्स होगा, मतलब बीच बीच में तो आएगा, क्या हर बार आप ऐसे सेटिंग करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन है, आप इसे प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। अब देखिए इधर तो हमारा सब सेटिंग हुआ है, अभी इस सेटिंग को कुछ छेड़ना नहीं है, अभी आपको प्रोग्राम पे जाना है, इसकी वो हम एक प्रोग्राम सेट कर देंगे क्योंकि हमको बार बार सेटिंग करना ना पड़े। देखिए इधर हमें प्रोग्राम पे जाएंगे, इधर आपको एक स्लॉट चूज़ करना है, मैं 2 नंबर स्लॉट खाली है, इधर हमको चूज़ करना है। देखिए ओके पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इधर देखिए ऐड ऑप्शन है, मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। अभी इसको प्रोग्राम का नेम देना है, इधर आप देखिए नाम पैड से आप इसको लिख सकते हैं, मैं इसको लीगल टू A4 लिख देता हूँ, ठीक है, लीगल टू A4 मैंने लिख दिया। अभी मैं ओके बटन पर प्रेस करूँगा, देखिए अभी ये कंप्लीट हो गया है, ये देखिए हमारा लीगल टू A4 कंप्लीट हो गया है। अभी मैं सब कुछ रिसेट कर दिया, मैं कॉपी पे जाता हूँ। देखिए इधर आपका नॉर्मल ऐसा सेटिंग होगा, A4 मतलब लीगल पेपर देने के बाद आपको ऐसा सेटिंग दिखाएगा। आपको क्या करना है, पहले एमपी ट्रे पे पेपर देना है पोर्ट्रेट पे, अब इधर आपको प्रोग्राम पे जाना है और लीगल टू A4 आपको जो प्रोग्राम भी सेट किया था उस पर आपको क्लिक करना है और रिकॉल पे क्लिक कर देना है। देखिए आपका ऑटोमेटिक सब सेटिंग आ गया है फिर से, अब आपको पेपर डालना है और जेरोक्स करना है सिर्फ, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने एक बार प्रोग्राम सेट कर लिया आपको ज़्यादा सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको रिसेट कर रहा हूँ, अभी एक दूसरा सेटिंग दिखा देता हूँ। देखिए इधर आपको आईडी कार्ड साइज का जेरोक्स करने के लिए पहले आपको कॉम्बाइन पे जाना होगा, इधर आपको एडवांस कॉम्बाइन पे जाना होगा, इधर आपको 4-in-1 करना होगा और सबसे नीचे जाना है डाउन देन लेफ्ट। देखिए इधर डाउन देन लेफ्ट है, इस पर आपको ओके करना है, इधर नान इसको ठीक है, टॉप एज ऑन टॉप ये भी सब ठीक है, इधर ऑटो जूम हो गया, कैसल वन भी सिलेक्ट हो गया। इधर आपको फंक्शन पे जाना है, फंक्शन मेनू पे, इधर आपको पेज सिलेक्ट करना है, जो ओरिजिनल साइज है पेज का
इधर ओरिजिनल साइज को आपको करना है A6 लैंडस्केप। देखिए A6 लैंडस्केप आ गया है, इधर आपको ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आप इसका डेंसिटी भी कमा सकते हैं। मैं डेंसिटी लाइटर 3 पे कर रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं एक जेरोक्स करके देखता हूँ। देखिए, और इसका एक तरफ घुमा के दे देता हूँ। अभी देखिए, हमारा दोनों साइड स्कैन हो गया है। अभी हमको ओके पे प्रेस करना है। देखिए, हमारा नीचे जेरोक्स आ रहा है। देखिए कितना अच्छी तरीके से इसका जेरोक्स हुआ है। तो ये प्रोग्राम को आपको सेट करने के लिए पहले आपको प्रोग्राम पे जाना होगा। देखिए, इधर नीचे मैं आ रहा हूँ, इधर हमारा 3 नंबर स्लॉट खाली है। इधर मैं 3 नंबर स्लॉट पे इसको ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। इधर ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ। इधर मैं आईडी कार्ड देख के लिख रहा हूँ, GHI GHI ID। ठीक है मैं आईडी लिख दिया हूँ। अभी ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, कंप्लीट हो गया है। अभी हम अगर देखिए, मैं अभी कॉपी पे आऊँगा, मैं सब कुछ रीसेट कर दूँगा। अभी मेरे को एक जेरोक्स करना है आईडी कार्ड साइज का, तो मैं कैसे करूँगा, प्रोग्राम पे आऊँगा। सिर्फ इधर देखिए, मैं 3 नंबर पे मेरा आईडी कार्ड सिलेक्ट किया हूँ। आईडी कार्ड पे मैं प्रोग्राम सेट किया था, बस इस 3 नंबर को इसको ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। रिकॉल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए, हमारा सब कुछ सेटिंग हो गया। अभी सिर्फ हमको जेरोक्स करना है। प्रोग्राम सेट हमारा बहुत ही ईजी है। और भी बहुत सारा चीज़ है, लाइक डुप्लेक्स प्रिंटिंग, कंप्यूटर से प्रिंट आउट, कंप्यूटर से डुप्लेक्स प्रिंट आउट, सब कुछ अगर इस वीडियो में दिखाने लग जाऊँगा तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अगर आप लोग इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर 10 ऐसा कमेंट आता है तो हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए आगे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।